आप सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम आ रहे हैं हमारे सामने और मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। और आज की जो वीडियो है वो वाच्य के ऊपर है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो वाच्य है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एग्ज़ाम सामने है, उसी पर्पस से आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो अंत तक देखना, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारा। और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा वाच्य परिवर्तन का टॉपिक। ठीक है, वाच्य परिवर्तन जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रयोग परिवर्तन भी हमें करना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, वाच्य वाच्य का प्रयोग कैसे होता है। वाच्य जो है कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है और भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। तीन प्रकार से प्रयोग किया जाता है वाच्य का। ठीक है, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में कैसे किया जाता है, ये एक नियम है। इस नियम को आप अच्छे से देख लें। जैसे इस तरफ कर्ता है, इस तरफ कर्म है, इस तरफ क्रियापद है। कर्तृवाच्य के लिए क्या चाहिए, कर्मवाच्य के लिए क्या चाहिए और भाववाच्य के लिए क्या चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रख के जाएं। अगर आपको विभक्ति नहीं आती है और धातु रूप नहीं आते हैं तो आपको पहले वो सीखने होंगे, उसके बाद ही आपको वाच्य जो है अच्छे से समझ में आएगा। कर्तृवाच्य में क्या है कि जो कर्ता है वो प्रथमा का रहता है। कर्ता जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का होता है, और जो क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार होता है। अगर कर्ता जो है प्रथमा में है और क्रियापद जो है वो भी क्या होगा, प्रथमा के अनुसार होगा, प्रथमा के अनुसार ही होगा। वो प्रथम पुरुष भी हो सकता है, मध्यम पुरुष भी हो सकता है, उत्तम पुरुष हो सकता है। उसी तरह से कर्मवाच्य जो है वो उसमें कर्ता जो है तृतीय विभक्ति का रहता है। किसकी बात हो रही है, कर्ता की। कर्ता तृतीय विभक्ति का रहेगा, किसमें, कर्मवाच्य में। ये एक स्पेशल चीज है। इसमें तो सीधा सीधा है, एक दो और एक मान के चलेंगे हम, क्योंकि प्रथमा का अगर एक वचन करता है तो कर्ता के अनुसार ही जो है क्रिया होगी। उसी तरह से इसमें द्वितीय कर्म तो होता ही द्वितीय के लिए, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में प्रथमा का कर्म होगा और कर्ता क्या होगा, तृतीय व्यक्ति का होगा। और क्रियापद किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार, इसके अनुसार होगा। ये पहले में आपने पढ़ा, इसके अनुसार होगा, ये इसमें इसके अनुसार होगा। उसी तरह से भाववाच्य में तृतीया का कर्ता रहता है हमेशा, और क्रियापद जो है प्रथमा विभक्ति के अनुसार, प्रथमा विभक्ति के अनुसार रहता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति क्रियापद तो कैसे रहता है, चलिए जानते हैं। देखिए इसको कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के लिए आपको ये परस्मै पद के धातु रूप आने चाहिए कर्तृवाच्य के लिए, जो कि सभी को आते ही हैं। ज्यादातर पठती पठा पठता पठंती करके इस तरह से लिखे जाते हैं, किसमें, परस्मै पद में। उसी चीज को कर्मवाच्य में पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते लिखा जाता है, ये आत्मनेपद के रूप में। अर्थात संस्कृत में जो धातु रूप होता है ना, ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो परस्मै पद और दूसरा आत्मनेपद। तो ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपको वाच्य आएगा। अब यहाँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो अगर आपको आ जाते हैं तो आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बालक शब्द रूप है ना, बालक शब्द रूप जो है वो पहला शब्द रूप है जो सब बच्चों को आना चाहिए। अब बालक की जो प्रथमा विभक्ति है वो इस तरह से रहती है, बालका बालको बालका, है ना। तो ये उसके लिए एक क्या है, जस्ट एक मतलब आपको गैस करने के लिए यहाँ बाल का लिखा हुआ है, तो उसी की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, बालकेना। वैसे ही हिंट दी हुई है ना, ये सिर्फ हिंट है। वैसे जो माला आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति क्या हो जाती है, मालया। कोई भी आकारांत शब्द होगा उसका द्वितीय विभक्ति मालया होगा। आपको प्रथमा विभक्ति की जरूरत रहती है ज्यादा और तृतीय विभक्ति की, द्वितीय का भी आपको आना ही चाहिए। बस ये कुछ शब्द रूप हैं जिनको आप अच्छे से लर्न कर लें। फलम, फलम की तृतीय व्यक्ति क्या होती है, फलेना, नपुंसक लिंग शब्द है। वैसे ही कुछ सर्वनाम शब्द है, जैसे अहम होता है अस्मत् शब्द में, उसी की तृतीय व्यक्ति हो जाती है मया। त्वम का हो जाएगा त्वया। ठीक है, उसी तरह से सहा, इसकी तृतीय व्यक्ति हो जाएगी तेना। वयम, इसका बहुवचन हो जाएगा अस्माभिः। सॉरी, ये वयम लिखा हुआ है प्रथम व्यक्ति का बहुवचन और यहाँ तृतीय व्यक्ति का बहुवचन लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, कई बार कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में क्या करना रहता है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना होता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में करना होता है। तो इसके लिए आपको प्रथमा विभक्ति और तृतीय विभक्ति का आना बहुत जरूरी है।
प्रथमा विभक्ति का एक वचन अच्छे से लर्न कर लो और तृतीय विभक्ति का एक वचन। उसी तरह से प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी अच्छे से लर्न करना है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन भी अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ये अस्मद् युष्मद् और तत् शब्द रूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इकारण शब्द रहता है कवि, कवि का तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा कविना, और राजा का बनेगा राज्ञा। साधवः ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, साधु भी प्रथमा तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। पक्षिणः ये प्रथम व्यक्ति बहुवचन है और पक्षी भी ही ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन है। ये शब्द रूप जो है इनकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करो अच्छे से। उसी तरह से अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य के लिए भूतकाल के लिए भूतकाल धातु को, धातु जो विशेषण होता है, भूतकाल धातु जो विशेषण होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो जैसे पुल्लिंग में पठ धातु भूतकाल के लिए इस तरह से तवतु प्रत्यय लगा करके इस तरह से बना देते हैं हम इसको विशेषण, पठितवान पठितवंतो पठितवंता। जब भी कोई धातु जो है वो लकारों से दूर चला जाता है तो उसमें मतलब जिसमें लकार नहीं होता उसमें क्या कर देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। और जब प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। जैसे ये पठ धातु है ना, पठ धातु में तवतु प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग में इसके रूप इस तरह से लिखे जाएंगे पठितवान पठितवंतो पठितवंता, स्त्रीलिंग में पठितवती पठितवतौ पठितवत्यः, और नपुंसक लिंग में पठितवत पठितवती पठितवंती। इस तरह से अलग अलग रूप है। ये भी काम में आते हैं, बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादातर काम में आते हैं, 10th क्लास के लिए इतना आवश्यक नहीं है। उसी तरह से कर्मवाच्य के लिए इसमें ता प्रत्यय लग जाता है, सेम मीनिंग रहता है। और ये भी कर्मवाच्य के लिए ता प्रत्यय का ही प्रयोग होता है, और कर्तृवाच्य के लिए तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय जिसको आप इस तरह से देखते होंगे लिखा रहता है तवतु, और ये ता प्रत्यय रहता है। ठीक है, आप बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा पेंसिल साइज का कर लेता हूँ मैं, ये लीजिए। अब बढ़ेंगे आगे, देखो ये क्या है, पठिता पठितौ पठिताः, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में पठिता पठिते पठिताः, और नपुंसक लिंग में पठितम पठिते पठितानि। अब बढ़ेंगे आगे, कुछ और देखते हैं उदाहरण। जैसे लिखा है बालकः फलम खादति, आप देख रहे होंगे यहाँ बालकः लिखा है। बालकः क्या है, प्रथम व्यक्ति एक वचन है ना, प्रथम व्यक्ति एक वचन बालकः। अब इसी को अगर हम लोग कर्मवाच्य में लिखेंगे, अब देखो ये बालकः जो है प्रथम व्यक्ति एक वचन है, इसी के अनुसार क्रिया है, एक के अनुसार ही क्रिया है। बालकः प्रथम प्रथम व्यक्ति एक वचन, और खादती जो है ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक, अब बालकः एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है। बालकः थर्ड पर्सन है जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं, और क्रिया भी जो है वो क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, इसी के अनुसार होगी क्रिया। और फलम, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी कर्म है, और कर्म जो है द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। तो अब इसी को अगर हम लोग कर्मवाच्य में लिखेंगे तो सीधा सीधा आपने क्या करना है, बालक का बालकियाना कर देना है। फलम क्योंकि प्रथमा में भी फलम ही लिखा जाता है, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन के अनुसार होगी। इसको नहीं देखना, इसको और इसको देखना है, इनको इनको दोनों को देखना है। फलम खाद्यते, खाद्यति को देखो खाद्यते लिख दिया, क्यों, खाद्यति के जो रूप हैं वो परस्मै पद के हैं और खाद्यते जो है ये आत्मनेपद का रूप है। उसी तरह देखा बालकः फलानि खादति, बालकः फलानि खादति। अब इसमें देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, लेकिन कर्म जो है वो क्या है, बहुवचन है, फलम फले फलानि। अब क्योंकि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही लगेगी है ना, तो फलानी के साथ यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, फलानी के साथ कोई क्रिया का या कर्ता का कोई लिंक नहीं है। बस फलानी जो है वो कर्म है, और कर्म बहुवचन हो द्विवचन हो एक वचन हो चल जाएगा, बस होना क्या चाहिए, द्वितीय व्यक्ति का होना चाहिए, तो द्वितीय व्यक्ति का है। अब इसी को कैसे लिखेंगे, किसमें, कर्मवाचन में बालकः का हो गया बाल के ना, फलानी का फलानी ही रहा, और क्योंकि प्रथम व्यक्ति में भी फलानी होता है, और खाद्यन्ते हो गया बहुवचन, क्योंकि क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो रही है, होनी है कर्मवाच्य में, कर्म के अनुसार। कर्म जो है बहुवचन का है, क्रिया भी बहुवचन की हो गई। और लिखा है बालकाः, अब यहाँ देखने वाली ये चीज है, बालकः हो गया बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, खादन्ति है, देखो बालकः फलं खादन्ति। अब बालकाः का क्योंकि वो बहुवचन है तो
तृतीय व्यक्ति का बहुवचन आपको आना चाहिए, बालके ही। फलम प्रथम व्यक्ति में रहता है, तो यहाँ कर्म जो है प्रथम व्यक्ति का होगा, क्रिया उसके अनुसार होगी। ठीक है, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है ना, और यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया होगी। ये चेंज मेजर चेंज है, इसको आपने समझना है। उस तरह से बालकाः फलानि खादन्ति। अब यहाँ पर आप देखते हैं, ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन है, और कर्म भी जो है बहुवचन है। इसका कर्म का साथ तो इसका कोई संबंध नहीं है, इन दोनों का संबंध है बस। तो यहाँ लिखा है बालके ही। अब यहाँ पर जो है तृतीय व्यक्ति बहुवचन तो हो गया, बाल के ही, इसका तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो गया। फलानी जो है वो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, और क्रिया जो है इसी के अनुसार होगी, खाद्यंते। ठीक है, ये भी बहुवचन है, बस यही चेंज है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ उदाहरण इस तरह से लिखे आते हैं, जिसमें तवतु प्रत्यय होता है, उसको आपने त प्रत्यय में लिख करके चेंज करना है। इस तरह से भी आ सकता है आपको, आपको ऐसे चेंज करना है, या इस तरह से भी आ सकता है आपको ऐसे चेंज करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अर्चकः देवं पूजितवान। अब क्योंकि अर्चका है तो इसके लिए पूजितवान है, क्योंकि कर्ता जो है अर्चका है, उसके लिए एकवचन है वो, और पूजितवान है ना, पूजितवान जो है वो क्या है, एकवचन ही है। पूजितवान, पूजितवंतो, पूजितवंता, हमने ऊपर पढ़ा था तवद्दु प्रत्यय का प्रथम विभक्ति। और देवम यहाँ पर क्या है, कर्म है। अब यहाँ आपने अर्चका की तृतीय व्यक्ति लिख दी, अर्चकेना देवा पूजिता। जो यहाँ कर्मवाचक में आपने देखा होगा, देवा जो है वो क्या है, प्रथम विभक्ति है, और उसके अनुसार ही क्या है, क्रिया है। ठीक, अब उसी तरह से अर्चका देवी पूजितवान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्चकेना देवी पूजिता। यहाँ प्रथमा की है देवी, और इसके लिए क्या हो जाएगा, पूजिता। यहाँ द्वितीया की है, तो यहाँ हमारा कर्म के अनुसार नहीं चलता कर्तृवाच्य में, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार चलता है। उसी तरह से अर्चकः दैवतम पूजितवान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अर्चकेन दैवतम पूजितम। पितामही कथाम कथितवती, तो पितामहिया, अब पितामही का तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या होगा, पितामहिया, कथा कथिता। ठीक है, चालकः रूप्यकाणि गणितवान, चालकेन रूप्यकाणि गणितानि। कृषिवलः सस्यानि उक्तवान, कृषिवलेन सस्यानि उक्तानि। उसी तरह से महर्षिणा प्रमाणो व्याख्या कृता, तो महर्षि ही प्रमाणो व्याख्याम कृतवान। आपने देखा यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य को आपने यहाँ क्या करना था, कर्तृवाच्य में तब्दील करना था, बदलना था। तो महर्षि ना जो है तृतीय व्यक्ति है, तो इसका प्रथम व्यक्ति क्या लिख दी, महर्षि, और परमाणु परमाणु ही रहा, और परमाणु की है, परमाणु शब्द है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, परमाणु हो गया। व्याख्याम, व्याख्याम क्या है, ये है व्याख्या शब्द, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, व्याख्याम कृतवान। तो महर्षि के अनुसार कृतवान हुआ, ना कि व्याख्याम के अनुसार, यहाँ पर व्याख्या के अनुसार कृता हुआ, यहाँ ता प्रत्यय है और यहाँ तवतु प्रत्यय। वयम महाभागस्य नामधेयम जानीमः, अस्माभिः, वयम का बहुवचन तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या हो गया, अस्माभिः महाभागस्य नामधेयम ज्ञायते। जानीमः ये प्रश्न पद का रूप है, और ज्ञायते अपने पद का रूप है। सम्यक उक्तम त्वया, सम्यक उक्तवान त्वम। अब आप देख रहे हैं यहाँ कर्ता जो है आपको अंतम अंत में दिख रहा है, ऐसे भी लिखा होता है संस्कृत में, तो कर्ता यहाँ भी लिखा होगा, वहां उसका आपने तृतीय व्यक्ति और एक वचन, तृतीय विभक्ति और प्रथम विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए आपको, कर्ता का। सम्यक उक्तम, सम्यक उक्तवान। साधवा ईश्वरम नमंति, साधु भी ईश्वर नमते। हरि वक्तान रक्षति, हरिना वक्त व्यक्ति होगी, हरिना भक्तान, भक्ता रक्षति रक्षन्ते। ब्रह्मा विश्वं निर्माति, ब्रह्मणा विश्वं निर्मीयते। गर्दवेन बारा ऊह्यते, गर्दवः भारं वहति। पक्षिणा नीडानि रचयन्ति, पक्षिभिः नीडानि रचन्ते। उसी तरह से प्रभाते वयं वृत्तपात्रं पठामः, प्रभाते अस्माभिः वृत्तपत्रं पठ्यते। अहं विरोधं दर्शितवान्, मया विरोधः दर्शितः। प्रेक्षकः मां निर्घृणं ताडितवन्तः, प्रेक्षकैः अहं निर्घृणं ताडितः। सा गृद्धम अपश्यत, तया गृद्धा दृष्टा। अब ये सा है, सा का, सा क्योंकि प्रथम व्यक्ति है, और तत्शब्द स्त्रीलिंग, उसका तृतीय व्यक्ति ये रहता है तया। तो उम्मीद है आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो थी, जिन बच्चों को पहले से आता है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप कमेंट में लिख दीजिए, किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।